दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मैकबुक एयर M1 की, और ये 2020 का मॉडल है। अभी तो M2 भी आ गया और M3 भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन हम N1 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या है इसका परफॉर्मेंस। हम इसमें वीडियो एडिटिंग करके भी देखेंगे कि ऐसा कहते हैं कि M1 में उतना अच्छा प्रोसेसर सही रहता नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए, और M2 थोड़ा बेटर है, M3 थोड़ा और उससे ज़्यादा अच्छा बेटर। देखते हैं कि ये हमारा 4K 60 FPS वीडियो एडिटिंग कर पाता है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे और थोड़ा फील करेंगे कि लैपटॉप का साउंड कैसा है, स्क्रीन कैसी है और परफॉर्मेंस कैसा है इसका। तो एप्पल का यार तारीफ की जाए तो इनका जो बॉक्स वगैरह रहता है बहुत ही प्रीमियम रहता है, इनकी जो क्वालिटी रहती है कुछ अलग ही रहती है। एप्पल का लोगो आधा कटा हुआ, एप्पल इतना हल्का है और इतना स्लिम है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम छोटा सा प्यारा सा लुक। और इसमें चार्जर वगैरह है तो इसको हम करते हैं साइड में। ये देखिए ये हमारे सिल्वर कलर में है, तो एक इसमें गोल्ड कलर भी रहता है, पर वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली था तो हमने उसको कहा हटाओ, क्योंकि वैसे भी ये बहुत महंगे आते हैं एप्पल के मैकबुक। तो आप देख सकते हैं कितना स्लिम, मतलब मेरे पास जो फोन है ना उस फोन से भी पतला है इसकी जो दोनों बॉडी है, और उसका स्क्रीन आप देख सकते हैं इतनी पतली सी स्क्रीन है, 1 सेंटीमीटर होगी स्क्रीन की जो मोटाई होगी। और बढ़िया हम अब इसको करते हैं ओपन। ये ओपन करते ही साथ इसका साउंड आ गया, वाव। तो हमारे पास लैपटॉप हो चुका है ओपन। इसमें जो अभी मैक ओएस डाला है वो डाला है सोनोमा 14.4.1। अब यार इसमें अपन थोड़ा यूट्यूब चला के साउंड सुनाया जाए। मैक ओएस का जो उनका इंटरनेट वाला सॉफ्टवेयर है वो सफारी है, और इसमें हम चलाएंगे यूट्यूब। सबसे पहले तो मैं आपको साउंड इसका सुनाऊंगा, आपको कितना बेहतरीन साउंड है, और जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ इतना स्मूथ है, एकदम हल्का सा प्रेस करने पे ही बटन दब रहा है। इसका बेस भी इतना प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से निकल रहा है साउंड, ऐसा चारों तरफ से निकल रहा हो टाइप। इसका डिस्प्ले भी बहुत ही प्यारा है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है साउंड का और इसके डिस्प्ले का, कि इस प्राइस रेंज में तो मुझे लगता कि और कोई ही लैपटॉप दे सकता है। डिस्प्ले और बहुत बढ़िया है। अब हम करते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड, डाविंसी रिजॉल्व, क्योंकि इसमें फ्री है, मतलब दो वर्जन है, एक पैड वाला है और एक फ्री है, तो हम फ्री वाला डाविंसी रिजॉल्व वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। और इसमें USB थंडरबोल्ट का आपको ये दो कनेक्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर 3.5 mm जैक मिल जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है। पर आप सोच रहे हो कि पेन ड्राइव वगैरह हम कैसे लगाएं, तो उसके लिए एक पोर्टेबल कनेक्टर अलग से लगाना पड़ेगा पेन ड्राइव के लिए, कार्ड रीडर के लिए, तो आप इसमें HDMI केबल के लिए भी इनमें से कनेक्ट आप कर सकती है। मैं अपना फ़ोन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप थिकनेस चेक कर लो, जितनी इसकी बॉडी है उससे 3 गुना मोटा तो मेरा ये मेरा फोन है। ये डिस्प्ले तो और पतला है, ज्यादा नहीं 1.5 किलो के आसपास का होगा। जो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी की हम वीडियो एडिटिंग करके इसमें देखेंगे कि कितना फास्ट है, क्योंकि मैकबुक का जो परफॉर्मेंस है वो और कोई लैपटॉप बीट नहीं कर पाता। इसके पास जो पावर है ना वो और किसी भी लैपटॉप में नहीं है, तो हम अभी इसमें टेस्ट करेंगे इसी वीडियो को, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS में कर रहा हूँ, तो इसमें हम डालेंगे और एडिट करके देखते हैं कि कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। तो अब हम अपना डाविंसी रिजॉल्व एप्लीकेशन ओपन करते हैं, डाविंसी रिजॉल्व 18.6। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में और यहाँ लिख देंगे मैकबुक एयर M1। पहले हम मीडिया फाइल यहाँ ऐड करेंगे। अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है, उसकी वीडियो अपलोड करना है, तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए वीडियो एडिटिंग के 10 से 15 मिनट का वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं डाविंसी रिजॉल्व सॉफ्टवेयर में। तो हम पहले जाएंगे फाइल में, इंपोर्ट करेंगे मीडिया, और यहाँ से 3 वीडियो हम बुलाएंगे।
ये वीडियो है टोटल, प्ले करते हैं थोड़ा। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मैकबुक एयर M1 की, और ये 2020 का मॉडल है। वैसे आपको बता दूँ, डाविंची रिज़ॉल्व में जो कलर ग्रेडिंग का जो सिस्टम दिया है, मतलब अमेजिंग है। और तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है, इसको हम करते हैं MP4 में, और रेजोल्यूशन तो अपने को करना है 4K में, और फ्रेम रेट 60। तो ये हमारा 4K हो गया है, ये 60 FPS फ्रेम रेट हो गया है। नेट टू रेंडर, हम यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट रेंडर ऑल। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। इसमें आ रहा है 13 मिनट। वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको एक्सपोर्ट होने में। ये आप देख रहे हैं हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, और इसको समथिंग 17 से 18 मिनट लगे एक्सपोर्ट होने में। तो M1 चिप के हिसाब से बहुत ही फास्ट एक्सपोर्ट हो गया है। M2 में और फास्ट होगा, मतलब हो सकता है कि 10 मिनट में ही पूरा हो जाए। और अभी जो नया लॉन्च हुआ M3 चिप वाला प्रोसेसर, उसमें तो मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में ही 10 मिनट की 4K 60 FPS वाली वीडियो एडिट हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना है, और आपका बजट अगर 70-80 हज़ार तक का जा रहा है, तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप मैकबुक को ही प्रेफर कीजिए वीडियो एडिटिंग के लिए। गेमिंग के लिए वाले लैपटॉप है नहीं, तो गेमिंग के लिए आप विंडो में जा सकते हैं, लेकिन हाईली प्रोफेशनल वर्क करना है, खास करके वीडियो एडिटिंग जैसी चीज़, तो मैकबुक आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके बजट में हो तो। और इनमें एक सबसे सस्ता देखा जाए तो मैक मिनी आता है, उसमें भी M1 तो खैर पुराना हो गया, अभी मैक मिनी M2 चिप वाला जो आया है वो मात्र 60 हज़ार का आ रहा है। उसका भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अनबॉक्सिंग वाली, और वो कितना फास्ट है हम वो भी देखेंगे। अभी वो 50 हज़ार का मिल रहा है स्टूडेंट आईडी में, बाकी MRP तो उसकी 60 हज़ार है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।